पूरी जनता, वहाँ की पूरी जनता जो है आज रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुई है, इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, ये बिलावर की म्यूनसिपलिटी के अंतर्गत ये वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 आता है, जिसमें ये मुड़ी गांव का एक पूरा क्षेत्र है। और वहाँ पे पिछले दिनों, जैसे कि सब लोगों ने बताया और मैं भी वहाँ पे गया था, वहाँ पे इन लोगों से कहा गया कि यहाँ पे शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री के जो है वो क्वार्टर और ऑफिस का प्रमिसिस बन रहा है। तो जैसे ही वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, तो तब इन लोगों ने देखा कि वहाँ पे सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग और कलेक्शन सेंटर जो भी बना रही है म्युनिसिपैलिटी काउंसिल जो बिलावर, तो इन लोगों को ये लगा कि इन्होंने हमें धोखे में रखा, ना यहाँ पे कोई पब्लिक हियरिंग हुई, ना यहाँ पे लोगों को बताया गया कि क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है, होगा क्या, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है इसमें करना क्या है। तो उसी के लिए लोगों का आज 3-4 दिन से लगातार ये प्रदर्शन चल भी रहा है। और आज यहाँ पे डीसी साहब आने वाले थे, लेकिन उनकी जैसे कहीं कठू बसोली में आज बैठक है, तो ये सब लोग यहाँ पे प्रयास की बैठक में आए थे बिलावर में एडीसी साहब से मिलने के लिए। अभी ये सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं और एक अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। सर, एक हफ्ते से लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है, क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? देखिए, अभी तक उन्होंने जो वहाँ का जो कार्य निर्माण कार्य चल रहा था उसको उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन ये है कि इन लोगों ने भी अपनी जो आपत्ति है, जो ऑब्जेक्शन थे, वो फाइल किए हैं। लेकिन एक बड़ी जो हैरानगी वाली बात है, ये जो म्युनिसिपैलिटी कमेटी के ईओ हैं, इन्होंने एटलीस्ट इनका एक जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी भी इनकी बनती थी कि वहाँ पे जाके लोगों के साथ एटलीस्ट एक पब्लिक हियरिंग वहाँ पे करते, लोगों को अवेयरनेस होता कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। अब लोगों को बताया कुछ गया कर कुछ हो रहे हो, और जो भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट इकोलॉजी 2016 की जो गाइडलाइंस हैं, उसके भी मुझे लगता है कि उसके भी विपरीत, उसके भी खिलाफ जाके ये ईओ साहब ने वहाँ पे काम किया हुआ है। तो ये यहाँ पे उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं कि जो सबसे पहले इस तरह का जब भी आप कहीं पे भी प्रोसेसिंग और कलेक्शन सेंटर बनाते हैं, सबसे पहले जो हिली टेरेन है और रिमोट और जो फ्लड प्रोन एरिया होता है उसको वो अवॉइड करना होता है सारी सिचुएशन। वो फ्लड कंट्रोल फ्लड वाला भी एरिया है और हिली टेरेन भी है, उसके साथ उसके नियर बाई एरिया में पूरा उसको वहाँ पे उसकी फेंसिंग होनी होती है, वहाँ वेजिटेशन के लिए एक बफर जोन क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन कोई भी चीज़ जो है, कोई भी गाइडलाइन इन्होंने फॉलो नहीं की है। हम चाहते हैं कि ये हमारे गरीब लोग हैं, इनको यहीं पे इंसाफ मिले। अगर इसके बाद अगर इन्होंने कुछ